नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस में। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश दुबे। दोस्तों, लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक। आज के वीडियो में हम जानेंगे कोल्डम प्लस टेबलेट के बारे में। दोस्तों, इसका क्या क्या उपयोग है, किन किन स्थितियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने दिनों तक आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। साथ ही दोस्तों, यदि आप हेल्थ एंड हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको मेरी जानकारी यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, कोल्डम प्लस टेबलेट यदि आपको मौसमी सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सभी समस्याएँ हैं तो इन समस्याओं के लिए आपको यह कोल्डम प्लस टेबलेट उपयोग करने की सलाह दी जाती है। जैसे कि दोस्तों, यदि आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द है, बुखार है, मांसपेशियों में दर्द है तथा आपको पोस्ट इम्यूनाइजेशन पायरेक्सिया है तथा किसी तरह का आपका बॉडी में जो मौसमी बुखार की वजह से आपको पेन है, साथ ही यदि आपको जुकाम हो रखा है, नाक बार बार बह रहा है यानी तरल पदार्थ लिक्विड आपके नाक से टपक रहा है, बहुत ज़्यादा जुकाम होने की कंडीशन में आपका सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ ही आँखों में भी पेन हो रहा है, माथे पे दर्द हो रहा है, तो इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए यह कोल्डम प्लस टेबलेट आपको बाय डोज में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इसका सुबह शाम एक एक गोली खुराक आपको लेनी चाहिए। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि खाली पेट इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको इस टेबलेट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यह मौसमी जुकाम बुखार को ठीक करने के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होती है। साथ ही मौसमी जुकाम की वजह से यदि आपको खांसी है, एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है, तो उन सभी कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो ये सभी कंडीशन के लिए यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह टेबलेट बेहद उपयोगी साबित होती है। दोस्तों, इसमें सभी तरीके की कम्बिनेशन की मेडिसिन आपको मिलती है, जिसमें आपको मिलता है पैरासीटामॉल, इसके साथ साथ आपको कैफीन भी मिलता है, फेरिन फ्लेरिन भी मिलता है तथा आपको क्लोरफेनामिल मिलिएट, ये सभी एंटी एलर्जिक और एंटी हाइव आपको पायरेटिक के साथ साथ एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको ये सभी मेडिसिन कम्बिनेशन की हैं, जो आपके सभी तरह के ये सारे सिम्टम्स को ठीक करने के लिए उपयोगी साबित होती हैं। तो दोस्तों, इसका उपयोग आपको मैक्सिमम 3 दिन तक उपयोग करना चाहिए। 3 दिन के बाद यदि आपको ज़्यादा लगातार सिम्टम्स देखने को मिलता है, आपका फीवर ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही कुछ सामान्य सी जानकारी कोल्डम प्लस टेबलेट के बारे में। इसी तरह की अन्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। साथ ही दोस्तों, याद रखें कि हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी ज़रूर करें।